नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। एक नाम दसों का, तभी तो प्रदेश के शिक्षकों को हम कह रहे हैं कि ये प्रदेश के सरकारी विभागों में भर्ती वो अवतार है जिनके 10 अवतार हैं और मजबूरी में ये शिक्षक कहलाते हैं दशावतार। आज की खबर में आज फर्स्ट इंडिया न्यूज करेगा एक बड़ा खुलासा, आपको बताएगा कि कैसे शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के अलावा बाकी सब काम करने को मजबूर किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था का एक ऐसा कड़वा सच जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर उठ नहीं पाता, बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, स्कूलों में शिक्षक मिल नहीं पाते, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे शिक्षक के दशावतार। महज 3 दिन पहले प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया था कि प्रदेश में गांव के कुछ स्कूलों को पीपीपी मोड पर देकर विकसित किया जाएगा, यानी यहां सरकार और शिक्षा विभाग के बस की बात नहीं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, लेकिन साथ में ये भी बताते हुए सुनाई दिए थे कि प्रदेश में शिक्षा पर 85,000 करोड़ खर्च किए गए हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रदेश में शिक्षा को सुधारने के लिए अगर कुछ करने की जरूरत है तो वो ये है कि शिक्षक को सिर्फ शिक्षक के किरदार में ही रहने दिया जाए, उसे दशावतार ना दिया जाए। कहने का मतलब और शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अध्यापक एक पेशा नहीं, एक नौकरी भी नहीं, एक समर्पण है जिसके दम पर देश का भविष्य अंकुरित होता है। एक जिम्मेदारी है जो ये एहसास कराती है कि आपके बच्चे का नैतिक और बौद्धिक विकास होगा। एक कर्तव्य है जो ये तय करता है कि बच्चों के भविष्य को शिक्षा की डोर से मजबूती के साथ बांधा जाएगा, जो ता उम्र बच्चे के साथ रहे। लेकिन क्या वाकई में प्रदेश में शिक्षक ये कर पा रहे हैं? शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य, समर्पण दर्शा पा रहे हैं, या फिर शिक्षा यानी गुरु को वो गुरु घंटाल बना दिया गया है जिसके दशावतार नजर आते हैं, वो दशावतार जिसमें शिक्षा का मुख्य किरदार खो जाता है। आज हम आपको दिखाते हैं कि मजबूत पेशे को कैसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षक पढ़ाने के अलावा आज प्रदेश में जनगणना करने का काम करता है, पशु गणना करने की जिम्मेदारी निभाता है, शौचालयों की गणना का भार भी सहता है, पोलियो अभियान में अहम योगदान देता है, मिड डे मील की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, मतदान को कराने की जिम्मेदारी लेता है, अध्यापन के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता, स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य जांच अभियान में भागीदारी निभाता है, छात्रों के बैंक खाते खुलवाने का भी शिक्षक काम करता है। तो ये है शिक्षक के वो दशावतार जिसके भार ने शिक्षक की कमर और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ कर रख दिया है। स्टाफिंग के बाद ये पोजीशन हो गई कि टीचर को नेक टू नेक अपनी क्लास में पढ़ाए तो 8 पीरियड पढ़ाना पड़ेगा, इतना विभाग ने काम दे रखा है। इसके बावजूद उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में इतने तरीके के कार्य हैं कि जिनकी गणना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ छात्रों को भी कई बार शपथ पत्र भरवाए गए, उनके माध्यम से गणना करवाई गई, लेकिन टीचर्स की ड्यूटी वहाँ लगाए जाना ये अपने आप में बहुत ही खेदजनक और बड़ा मुद्दा है। प्रदेश में शौचालय की गणना से लेकर जनगणना तक, पोलियो अभियान से लेकर स्वास्थ्य जांच अभियान तक, सब कुछ शिक्षकों के कंधों पर है। इसे देखकर अगर ये कह दिया जाए कि शिक्षकों की भर्ती बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि योजनाओं को पूरा कराने के लिए की जाती है तो गलत नहीं होगा। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का ग्राफ कम होता जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के भी स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षकों को इस तरह के कार्यों में, जो गैर शैक्षणिक कार्य है, उनमें नहीं लगाया जाए। केवल चुनाव के लिए छूट दी गई है, लेकिन उसके बावजूद इस हमारे को पशु गणना, शौचालय निर्माण हुए हैं, यानी इस तरह के कार्यों में भी शिक्षकों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो उनके गरिमा के अनुकूल भी नहीं है और शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले कार्य भी हैं, तो इनसे विमुक्त किया जाना चाहिए। ये दर्द एक शिक्षक का नहीं बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली का है, जिसमें पहले तो शिक्षकों की कमी है,
ऊपर से जो हैं वो शिक्षा को छोड़कर बाकी कामों में लगे रहते हैं। बच्चे स्कूल में अध्यापक का चेहरा देखने तक को तरस जाते हैं और पाठ्यक्रम पूरा कितना होता है ये तो कहना ही बेईमानी है, क्योंकि साल में 200 दिन भी बच्चों की क्लास लग नहीं पाती। ऊपर से स्कूलों को PPP मोड पर दिया जा रहा है और दावे किए जा रहे हैं कि स्कूलों में 85,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए, लेकिन अगर बच्चों को शिक्षक ही ना मिल पाए और शिक्षक को पढ़ाने का वक्त ना मिल पाए तो फिर कैसी शिक्षा व्यवस्था और कैसी शिक्षा प्रणाली। जयपुर से भारत दीक्षित के साथ स्पेशल रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। अब मुद्दा इतना गंभीर है तो इस पर चर्चा करनी भी इतनी ही जरूरी हो जाती है, और इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। अंजनी कुमार शर्मा जी हैं, प्रदेश मंत्री हैं राजस्थान प्राथमिक शिक्षक संघ से। विपिन शर्मा जी हैं, उपाध्यक्ष है राजस्थान प्राथमिक शिक्षक संघ से। अंजनी जी, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी। दरअसल जो टीचर्स हैं वो जब टीचर की भर्ती के लिए आते हैं तो क्या सोचकर आते हैं? टीचर बनने के लिए क्या उनको बताया जाता है कि आपको शौचालय की भी गणना करनी है, जनगणना की भी यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी? देखिए, जब शिक्षक बनने के लिए सरकार में आता है और इससे पहले जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करता है उस समय उसको सिर्फ और सिर्फ शिक्षण किस तरह से कराया जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास किस तरह से हो, यही प्रशिक्षण वो प्राप्त करके आता है। इन्हीं अरमानों के साथ वो शिक्षा विभाग में प्रवेश लेता है कि शिक्षकों का विकास करे, छात्रों का विकास करे और छात्रों के साथ समाज का भी विकास करे। लेकिन यहाँ आकर जब वो ऐसा महसूस करता है कि बिल्कुल विपरीत हो रहा है, शिक्षण के अलावा बाकी सारे कार्य शिक्षक को करवाए जाते हैं और उससे कहा जाता है शिक्षण कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है और बाकी के सारे काम हैं, उनके प्रति इतनी जवाबदेही उसकी निर्धारित कर दी जाती है कि वो बेचारा उन कामों में वो ना करे तो सवाल दे, यहाँ पर सवाल किया जाता है, उसको जवाब देना भारी पड़ जाता है। लेकिन अगर शिक्षक शिक्षा ना दे तो कोई सवाल नहीं करता, आखिर ये दशावतार क्यों बना दिए गए शिक्षक के? अंजनी जी, देखिए, शिक्षक को के साथ जितनी नाइंसाफी इस राज्य में हो रही है कि उसको जो मूल कार्य उसका अध्यापन का कार्य है उससे तो उसको भटका दिया गया है, और उसके अलावा बाकी के सारे कार्य, BLO का कार्य, पशु गणना, और हद तो जब हो गई जब खुले में शौच करने वालों को पाबंद करे या उनकी फोटो खींच के प्रशासन को देवे, तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि ऐसा अध्यापक जो समाज को परिवर्तन करने का काम करना चाहिए और वो खुले में शौच करने वालों की फोटो खींच करके प्रशासन को प्रस्तुत कर रहा है। तो विपिन जी, सच्चाई तो यही है, लेकिन अगर आप शिक्षक को अगर समझते हैं तो ऐसा क्यों है कि पूरे सिस्टम का बोझ ही एक शिक्षक पर आ गया है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कार्य कराया जाता है तो ये माना जाता है कि शिक्षक एक प्रॉम्प्ट वर्कर है और वो काम को बिल्कुल तरीके से और सुलझाऊ रूप से करके देगा। इस वजह से सभी डिपार्टमेंट में डिमांड है कि शिक्षकों को ही लगाया जाए और शिक्षक लगा के उनका काम को व्यवस्थित रूप से वो ही कर सकते हैं। तो इस वजह से कोई सा भी काम हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो शिक्षकों की डिमांड ज्यादा आ रही है। ऐसा आपका मानना है या फिर पूरा सिस्टम यही मानता है कि एक शिक्षक जो है वो सारे काम कर सकता है? नहीं, मेरा मानना नहीं, पूरे सिस्टम का ही मानना है। अगर बात करें BLO की, जहां BLO की अगर ड्यूटी का चार्ट देखें तो शिक्षक का नंबर 7वें नंबर पे आता है कि शिक्षक की ड्यूटी 7वें नंबर पे लगेगी, उससे पहले 6 डिपार्टमेंट के मंत्रालय कर्मचारी को लगेगी। हो क्या रहा है आप देखोगे तो उन 6 को तो छोड़ दिया, 7वें को चालू कर दिया, वहां से स्टार्ट करते हैं। आज बात करें खाद्य सुरक्षा की, बात अभी नित नया ऑर्डर आया कि ये रेलवे स्टेशन पे कुली है या निम्न वर्ग के लोग हैं, ये कितनी खाद्य सुरक्षा और कितना इनमें कुपोषण का शिकार है, ये भी टीचर्स जानेंगे। अब स्टेशन पे डोलेंगे टीचर्स, क्या और डिपार्टमेंट्स नहीं है? पशु गणना की बात करें, शौचालय गणना करें, तो हर में टीचर्स को, क्योंकि यहाँ पर जो बात है कि टीचर्स पे कार्रवाई का डर भय दिखाकर उनको आप लगा लो, क्योंकि सबसे बड़ा जो विभाग है राजस्थान सरकार में, अगर बात करें कि 8,11,000 कर्मचारी सरकार बताती है, तो 4.5 लाख शिक्षकों का कैडर है। तो विपिन जी, यहाँ पर योग्य समझा जाता है एक शिक्षक को कि सारा कार्यभार वही संभालेगा, लेकिन क्या किसी भी शिक्षक की मनोदशा समझने की कोशिश की है कि क्या वो योग्य है इसके? अगर मनोदिशा की बात करें, शिक्षक को लगाया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी मजेदार बात ये करें, इस सरकार में ये काम आते रहे, हर सरकार में आते रहे। इस सरकार की एक उपलब्धि और बताऊं तो कभी वंदे मातरम, कभी हिंदुत्व का, अगर पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड उठा के देखें, कभी स्टेडियम में बच्चों को बुलाया जा रहा है, कभी कहां बुलाया जा रहा है, तो हिंदुत्व का एजेंडा भी पास करवा रहे हैं इसके साथ साथ, पर बोलने वाला कोई नहीं है कि कौन विरोध करे, क्योंकि सरकार हिंदुत्व के
अकॉर्डिंग चल रही है, आरएसएस के अकॉर्डिंग चल रही है, तो इस वजह से 15 दिन से अगर बात करें स्कूलों की पढ़ाई बिल्कुल ठप है, कहीं स्कूलों से 200 बच्चे, कहीं 300 बच्चे, उनको बसों से स्टेडियम लेके जाओ फिर उनको वापस लाओ, तो पढ़ाई का नित नहीं, कभी एसएमएस स्टेडियम में मेला लग रहा है कभी, क्यों? जब दायित्व शिक्षक का पढ़ाने का है तो ऐसी व्यवस्था क्यों? और आप फिर उसके बाद जब रिजल्ट नहीं आता है तो शिक्षक को आप पहले नोटिस देते हो कि आपका रिजल्ट कमजोर, रिजल्ट तो आएगा कहां से टीचर्स का? पहले तो आपने पोस्ट नहीं करी। मैं अभी बता रहा हूं आपको 4.5 लाख, और अगर बात करें तो करीब 1.5 लाख पद खाली है शिक्षकों के। लेकिन तो फिर भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तो इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च यहां पर कर रहे हैं, हम इतने शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर यह तस्वीर क्यों नजर आ जाती है? अंजनी जी देखिए, सरकार का जो मानना है निजी शिक्षण संस्थानों से राजकीय शिक्षण संस्थानों की तुलना करवाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निजी शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षक होते हैं वो सिर्फ अध्ययन और अध्यापन का कार्य कराते हैं, जबकि राजकीय शिक्षण संस्थानों में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से शिक्षण का कार्य तो द्वितीय श्रेणी में चला गया है, उसके अलावा बाकी सारे कार्य उनसे कराए जाते हैं, और ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो परीक्षा परिणाम आवें वो उनके उन निजी शिक्षण संस्थानों से बहुत ज्यादा उत्कृष्ट श्रेणी के परिणामों की अपेक्षा की जाती है। तो ऐसे में ये हमारी तो समस्या पार है कि जब अध्यापक अध्यापन का कार्य छोड़ के बाकी वही काम नहीं करेगा, जब उसके पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि वो अपने स्कूल में जाकर बच्चों को शिक्षा दे सके, तब वो तस्वीर आखिर कैसे नजर आएगी? हमने आपको रिपोर्ट दिखाई यहाँ पर शिक्षक के दशावतार की, लेकिन इसे दिखाने के बाद हम आपको दिखाते हैं वो सवाल जो फर्स्ट इंडिया प्रदेश के शिक्षा मंत्री से पूछ रहा है। यकीनन प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक और बच्चे भी यही सवाल पूछ रहे होंगे। जरा देखिए फर्स्ट इंडिया के 10 सवाल है क्या। तो ये 10 सवाल ये है कि आखिर क्यों शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो नहीं दी जाती। पहला सवाल फर्स्ट इंडिया शिक्षा मंत्री से पूछ रहा है। वहीं आखिर क्यों शिक्षक को अतिरिक्त कामों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, सवाल ये भी खड़ा होता है। इसके अलावा लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनमें ये भी है कि आखिर शिक्षक पशु गणना, शौचालय गणना जैसे काम कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों बच्चों के भविष्य को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है, लेकिन गंभीर होने के दावे यहां पर जरूर करता है। इसके अलावा और सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि क्या सरकारी स्कूलों के गिरते स्तर की बड़ी वजह यही है? क्या सिर्फ नामांकन बढ़ाने से ही स्कूलों का स्तर बढ़ता जाएगा? ये सवाल अहम है। और सवाल ये भी कि क्या बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ हो सकता है? ये अहम सवाल फर्स्ट इंडिया खड़ा कर रहा है। सवाल ये भी क्या बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ हो सकता है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अहम सवाल है, ये गंभीर सवाल है, पूरे शिक्षा प्रणाली को घेरे में यहां पर लेता है। ऐसे में सवाल ये भी क्या ऐसे सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से मुकाबला कर पाएंगे? क्या सरकार की इस व्यवस्था ने ही पढ़ाई को बर्बाद कर दिया है? क्योंकि तस्वीरें तो कुछ ऐसे ही कहती है। लगातार ये सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं लेकिन जवाब यहां पर किसी के पास नहीं है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम सवाल खड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और तमाम ऐसा उनका भी मन चटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।